Hello friends, welcome to our YouTube channel. थाई बी सीरीज बिट एस में आपका स्वागत है चूकी एपिसोड थ्री का एक छोटा सा सीन मुझसे छूट गया था तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर एपिसोड फोर को एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड थ्री के लास्ट सीन में टीम को दिखाया जाता है जो कि बिन को किक मार के उठाने की कोशिश करता है बिन को चोट लग जाती है तो टीम से कहता है कि तुमने मुझे किक क्यों करा तो टीम उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से हक करके क्यों लेटे हुए थे जैसे कि तुम कोई मकड़ी हो तो यहाँ पे बिन कहता है कि तुम मुझे प्यार से भी तो जगा सकते थे ना तुमको मुझे इस तरह से किक करने की कोई जरूरत नहीं थी तो यहाँ पे टीम कहता है या मैंने आपको बहुत जगाने की कोशिश और लगभग आपके जो मुझे डांटने ही वाले थे तो तो पे पे विन जो होता है है वो टीम टीम से पूछता कि क्या आज तुम्हारी कोई क्लासेस हैं तो मना करता है ये सुनकर विन टीम के करीब जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो यहाँ पे टीम कहता है नहीं ऐसा नहीं है तो विन टीम की ओर आगे बढ़ता है और टीम पीछे जा रहा होता है तो विन उससे कहता है कि तुम्हारी दस बजे एक क्लास है और उसके बहुत ज्यादा करीब जाके उससे कहता है कि मुझे बता दो अगर तुम इस क्लास को स्किप करना चाहते हो तो टीम बोलता है कि अगर आप जानते हैं तो मुझसे पूछ के मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं उसके बाद कह रहा है ठीक है फिर मैं क्लास लेने जाऊंगा और सब बोल के वो बाथरूम चला जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट पहन सकता हूँ क्योंकि मैं अपने रूम वापस जाके शर्ट लाना नहीं चाहता तो यहाँ पे विन इस चीज़ से एग्री करता है और उसके बाद फिर बेड पे लेट जाता है और वो कब सो जाता है उसे पता नहीं चलता फिर हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में इतना सारा सामान देकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर नहा धो के मतलब नहा धो रहा होता है अपने आप को तैयार कर रहा होता है और फिर तभी यहाँ पे वि मोबाइल का अलार्म फिर से बजता है जिसकी वजह से बिन उठ जाता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके रूम में टीम है और वो बिना कुछ सोचे समझे बाथरूम में घुस जाता है जहाँ पे टीम नहा रहा होता है टीम को अचानक से देख के उस गुस्सा करता है तो उससे माफी मांगता कहता है कि मुझे माफ कर दो मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि तुम यहाँ पर हो तो उससे कहता है कि तुमने डोर को लॉक क्यों नहीं करा तो यहाँ पे बेचारा टीम नहा धो के मतलब कपड़े पहन के बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा मतलब शर्मा रहा होता है तो विन उससे पूछता है कि क्या कल रात को तुम ठीक से सो पाए टीम उससे कहता है कि हाँ मैं सो पाया। तो यहाँ पे विन टीम के बालों को बहुत प्यार से सहलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि कल रात को फिर से तुमने वही बुरा सपना देखा था तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ लेकिन मैंने उस चीज़ को मैनेज कर लिया और मैं फिर से जाके सो गया और वो विन को थैंक्स बोलता है तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके कानों में बोलता है कि किस चीज़ के लिए तुम थैंक्स बोल रहे हो तो यहाँ पे टीम हकलाते बोलता है कि खैर मैं बस तुमको थैंक्स बोलना चाहता था और इतना बोलने के बाद यहाँ पर जो टीम होता है वो विन को किस करता है और उसे कहता है कि अब तुमको शावर लेने जाना चाहिए और उसको शावर लेने के लिए भेज देता है तो यहाँ पर विन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए अंदर शावर लेने के लिए जाता है विन के जाने के बाद यहाँ पे टीम भी अपने लिप्स को टच करके बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है फिर तो तभी पे सडनली जो विन होता है वो डोर ओपन करता है और टीम को से देख लेता है और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है तो यहाँ पे टीम उसे पूछ लेता है की कि तुम किस बात पे हंस रहे हो तो यहाँ पे विन उसे कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही नेक्स्ट सीन में विन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे उसका छोटा भाई व्यू होमवर्क कर रहा होता है और उसका बड़ा भाई वॉन टुल के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है फिर में विन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों भाइयों से मिलने आया हुआ हो होता है और विन को देखकर उसका छोटा भाई भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और विन से कहता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस करा ही प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए मेरा होमवर्क करने में तो यहाँ पे वॉन होता तो है वो व्यव से कहता है की हमेशा जब भी तुम्हारा एग्जाम होता है तो तुम विन को इसी तरह से परेशान करते हो उसे दौड़ाते रहते हो तो यहाँ पे व्यू कहता है क्योंकि ये प्राय घर पे नहीं रहते और दूसरी बात ये की तुम मुझे पढ़ा नहीं सकते तो यहाँ पे वॉन व्यू को पिलो से मारता है उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते स्टूबिट बच्चे तो यहाँ पे विन कहता है याँ, आप इसे देखो आप अब एक बड़े इंसान हो गए हो अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो तो आप अब भी क्यों इसके साथ फाइट करते रहते हो तो यहाँ पे व्यू जो होता है वो विन की कही बातों को रिपीट करता है और उसकी कई बातों को बार बार बोल करके अपने बड़े भाई वान को चिढ़ा रहा होता है तो यहाँ पे विन जो था व्यू से कहता है व्यू उसे उकसाओ मत उसे इस तरह से मत चिढ़ाओ और वो व्यू को अपने कमरे में जाके स्टडी करने के लिए बोलता है तो यहाँ पे व्यू कहता है ठीक है वैसे भी मैं हिया वॉन के साथ नहीं रहना चाहता मैं परेशान हो गया उनसे तो वॉन कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे की मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ तो यहाँ पे विन अपने बड़े भाई वॉन से कहता है की आप उससे ऐसे फाइट कर रहे हो जैसे की आप दोनों एक सेम एज की हो और उसे पूछता है की और परिवार का क्या हाल है मैं कला में बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ इसलिए मैं यहाँ पे वापस आकर सब कुछ नहीं देख सकता तो यहां पे वॉन कहता है काफी हद तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है तो यहाँ पे विन कहता है कि आप किस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉन उसे कहता है कि वही सब वो अभी भी मुझे प्रेशराइज करते हैं काम के लिए मैं कुछ भी उनके लिए क्यों ना कर दूं वो कभी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता और कहता है की ज्यादा बढ़िया होगा अगर तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कर आओ हम लोगों की मदद करो अगर पापा का फेवरेट बेटा उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे फिर विन कहता है देखो भाई हम तीन भाई हैं और हम तीनों में से कोई भी किसी से कम नहीं हम सभी इक्वल हैं क्या आप हमारा रूल भूल गए तो यहाँ पे वॉन कहता है कि ये रूल तुमने खुद से बनाया है और सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जिस रूल पे विश्वास करते हो और मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो तुम रिलैक्स करो तो यहाँ पे विन कहता है कि अगर मैं किसी चीज में आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे बता देना यद्यपि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट मेरा नहीं हुआ है लेकिन उसके बाद में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो यहाँ पे वॉन कहता है कि काम करने में कोई भी मजा नहीं होता अगर तुम्हें चांस मिला अपनी लाइफ को जीने का तो तुम अपनी जिंदगी जियो तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया और अब मैं जा रहा हूँ व्यू की होमवर्क को चेक करने के लिए फिर हमें टुल को दिखाया जाता है जो कि वॉन के साथ गेम खेलते हुए उनके सारे कन्वर्सेशन को सुनता है और कहता है कि वॉन विन और व्यू ये सब नाम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने ये सारे नाम पहले

तुम आना वहां पे और शायद तुमको कोई आइडिया मिल जाए फ्यूचर में कौन सी स्टडी तुमको करना है इस चीज को लेकर तो यहां पे व्यू कहता है खैर मैंने आपको और हिया को बिजनेस की स्टडी करते हुए देखा है और मैं भी आगे उसी की स्टडी करना चाहता हूँ और ग्रेजुएशन के बाद आप दोनों को फैमिली के लिए काम करना है और इसलिए मैं ऐसा लगता है कि मुझे भी आप लोगों के जैसा ही करना चाहिए तो यहाँ पे विन व्यू से कहता है कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम किस चीज की स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू कहता है नहीं मैं बस ऐसा चाहता हूँ की मैं आप लोगों के जैसा ही आगे चल के बनू तो यहाँ पे विन व्यू से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पढ़ना तुम वो पढ़ो और रही बात फैमिली बिजनेस की तो तुम उसे मुझ पे छोड़ दो तो यहाँ पे व्यू कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ यहां पे से कहता है ठीक है तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मैं तुमको नहीं रोकूंगा लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इन सब चीजों की वजह से अपने सपनों को मत छोड़ो और फिर यहाँ पे होता है है वो व्यू से पूछता कि और बताओ तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है तो व्यू उससे कहता है कि मेरे स्कूल काफी अच्छा चल रहा है उसमे बहुत सारी लड़कियां हैं तो ये सुनकर विन जो है वो व्यू के सर पर टपली मारता है उसे कहता है की मैंने तुमसे तुमसेमिक स्टफ के बारे में पूछा है न की लड़कियों के बारे में तो यहाँ पे व्यू कहता है की बस थोड़ा बहुत तो यहाँ पे विन उससे कहता है कोई बात नहीं वैसे मैं गर्ल्स स्टफ के साथ ठीक हूँ तो तुम्हें चीजों के से जाने नहीं देना है समझ गया तो यहाँ पे व्यू कहता है कि हाँ मैं समझ गया बस मैं अपने एक दोस्त से भी ज्यादा दोस्त से थोड़ी बहुत बातें करता हूँ तो यहाँ पे विन कहता है मोर देन फ्रेंड तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है तो यहाँ पे व्यू कहता है मोर मतलब मोर ही जैसे कि जब मैं उसके साथ खाना खाता हूँ तो दूसरों के साथ खाना खाने के कंपैरिजन मुझे वो खाना ज्यादा टेस्टी लगता है और इसी तरह की चीजें और जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ दूसरे फ्रेंड के साथ बात करने की अपेक्षा में तो यहाँ पे विन फिर से व्यू के सर पे टपी मारता है कहता है कि तुम समय से पहले ही बहुत कुछ जाने लगे हो तो व्यू उससे कहता है क्या आज रात आप यहाँ पे रुकेंगे तो विन मना करता है तो वे व्यू कहता है क्या लेकिन क्यों आप बहुत मुश्किल से कभी कभी घर पे आते हो तो फिर भी आप मेरे साथ रात में यहाँ पे नहीं रुक रहे हो तो यहाँ पे विन कहता है ठीक है फिर मैं डिनर तक रुकूंगा अब क्या तुम हैप्पी हो तो यहाँ पे व्यू बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और विन से पूछता है कि क्या आपको वो चीज मिल गई तो पे विन कहता है मिल गई कौन सी चीज व्यू कहता है मोर देन फ्रेंड वाली चीज तो ये यह सुनकर यहाँ पे विन बहुत ज्यादा मतलब सोचने लगता है तो उसे कहता है या आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मोर देन फ्रेंड वाली चीज बस दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंस होती है और कुछ नहीं और फिर यहाँ पे विन जो है वो टीम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है फिर नेक्स्ट सिनेमा में मैं एक को दिखाया जाता है जो कि बी से कह रहा होता है कि तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा मैं इस चीज को गारंटी से कह सकता हूँ और मैंने लगभग सारा काम खत्म कर दिया है तभी यहाँ पे सी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया तो ये उसकी बातों को सुनकर उसे कहता है तुम थक गए लेकिन किस चीज से थक गए मैंने ये सारा का सारा काम अकेले किया है और तुम तो बस गेम खेल रहे थे तो यहाँ पे इसी कहता है तो क्या सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि क्लास के बच्चे बोल रहे थे तो यहाँ पे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है तो यहाँ पे भी इन लोगों से पूछता है कि क्लास में लोग क्या बोलते हैं तो यहाँ पे एक कहता है कि हम सच में नहीं जानते और उसे बताता है कि लोगों का कहना है कि प्रिंस कोई भी असाइनमेंट खुद से नहीं करता और वो कभी अपने पार्टनर की हेल्प भी नहीं करता तो यहाँ पे सीबी से कहता है कि क्या तुमने तो उसके पास मैसेज करा था ये जानने के लिए कि वो यहाँ पे कब आ रहा है तो यहाँ पे बी कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा और वो मैं ही इंसान हूं जिसने उसे पेयर करने के लिए इनवाइट करा था वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था वो अपना काम खुद से करना चाहता था वो किसी भी बोझ नहीं बनना चाहता था तो, तो तुम लोग उससे ऐसा मत बोलो मैंने खुद उसे इन्वाइट करा था और मैं ये बात जानता था कि वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा यहाँ पे ए कहता है ठीक है अगर ऐसा ही है तो तुम ये सारा काम खुद से करो और तभी यहाँ पे बी के घर के डोर पे नॉक कोई करता है तभी यहाँ पे बी जाता है और रूम का डोर ओपन करता है तो वहाँ पे प्रिंस होता है प्रिंस को देखकर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और प्रिंस उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना मैं पहुंच नहीं पाया तो यहाँ पे भी बहुत प्यार से कहता है कोई बात नहीं प्रिंस तुम अंदर आओ और उसे कमरे के अंदर लेकर आता है ए और सी बी की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं लेकिन जैसे लोग अंदर आने वाले होते हैं ये लोग फिर से अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाते हैं बी प्रिंस को इन दोनों से और इन दोनों को प्रिंस से इंट्रोड्यूस कराता है तो यहाँ पे प्रिंस इन लोगों से कहता है की मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गया और मैं इसीलिए तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स खरीद के लेकर आया हूँ कहता है कोई बात नहीं और सी से कहता है की देखा मैंने कहा था ना की वो एक अच्छा लड़का है तो यहाँ पे प्रिंस कहता है कि एक मिनट तुम लोगों का नाम ए बी और सी तुम तीनों के साथ में बहुत ज्यादा मैच करता है और कहता है बाकी का बचा हुआ काम मैं खुद से कर लूंगा और फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टीम को जो कि क्लब पे पहुंचता है और क्लब में बने हुए अपने स्टफ ड्रावर को ओपन करता है जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक की बॉटल्स रखी हुई होती हैं उनको देख कर यहाँ पे टीम एक मोमेंट को याद करता है जहाँ पे विन ने उसे वो एनर्जी ड्रिंक दिया होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ और फिर यहाँ पे टीम उस बॉटल को उठाता है और मन ही मन विन से कहता है कि तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक्स और उस ड्रिंक को पी जाता है और फिर पूल पे जाके अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होता है और इन लोगों को दिखाता है तो यहाँ पे सी ए से कहता है कि चूंकि अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और हमने खा भी लिया तो क्या अब हम वापस अपने घर चलेंगे तो यहाँ पे उससे कहता है चलो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो तो यहाँ पे सी जो होता है वो बी से कहता है क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है तो मैं और ए हम दोनों वापस अपने घर जाएंगे फिर वो प्रिंस पूछते हैं प्रिंस तुम्हारा क्या तुम घर वापस कैसे जाओगे क्या हम तुम लोगों को ड्रॉप कर दे तो यहाँ पे प्रिंस कहता है कोई बात नहीं सेट से वह आकर मुझे पिकअप कर लेगी और यहाँ पे प्रिंस इन लोगों को थैंक्स बोलता है कि धन्यवाद कि तुम लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में लिया तुम लोगों के बिना मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता तो यहाँ पे बी मुस्कुराते हुए ए और सी को देखता है उसे कहता है तो गाइज आप तुम लोग अपने घर जाओ चलो घर जाओ अपने तो ये चीज सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये कहता है क्या अभी हमको अपने घर से भगा रहा है तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी उन दोनों का सामान पैक करता है और उन लोगों से जाने के लिए कहता है कहता है कि अब जाओ अब तुम लोग अपने घर जाओ और फिर यहाँ पे भी जो होता है वो इन दोनों को मतलब ज़बरदस्ती रूम से बाहर भेज रहा होता है तो ये सुनकर सी उससे कहता है कि तुम हम लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर भेज रहे हो ना बहुत धक्का दे रहे हो तुम हम लोगों को तो यहाँ पे बी उनसे कहता है चलो जाओ अब और तुम लोग अपने घर जाओ और बाय बोलकर उन लोगों को भेज देता है और रूम का डोर लॉक कर देता है और फिर यहाँ पे प्रिंस होता है वो बी से कहता है कि अब मैं पांच मिनट के लिए रेस्ट करूंगा और ऐसा बोल के वो लेट जाता है और यहाँ पे बी प्रिंस को बहुत ज्यादा प्यार से घूर घूर के देख रहा होता है फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टीम को जो कि बहुत ज्यादा थका हो अपने रूम पे आता है और बहुत ज्यादा थका होने की वजह से वो बेड पे लेट जाता है और लेटते ही वो सोने लगता है अभी यहाँ पे नीचे विन बाइक लेकर आता है और बालकनी मतलब विन टीम की बालकनी की ओर देखकर उसको स्वीट ड्रीम बोलता है और तभी अचानक टीम फिर से सपना वही मतलब डरावना सपना देख रहा होता है जहाँ पे वो पानी में तैरने की कोशिश करता है और पानी में डूब रहा होता है और उसका भाई उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर तभी हमें विन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और तभी सडनली अचानक कोई इसकी डोर पर नॉ करता है और विन उठ डोर ओपन करने जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर टीम को देखता है तो टीम विन से कहता है या क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ यहाँ पर विन हाँ बोलता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहो तब इस कमरे में आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर यहाँ पे दोनों लोग सोने लगते हैं तो विन जो होता है वो टीम की तरफ हाथ बढ़ाता है तो टीम उसके पास आता है और ये दोनों लोग एक दूसरे को हक करके बहुत प्यार से सोने लगते हैं फिर में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम सो रहा होता है और विन उसको आवाज दे रहा होता है तो यहाँ पे टीम कहता है मॉम क्या मैं दस मिनट और सो सकता हूँ तो यहाँ पे विन उससे कहता है टीम मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ उठ जाओ और उठकर ब्रेकफास्ट कर लो और जब यहाँ पे टीम नहीं उठ रहा होता तो विन उसको जबरदस्ती उठाता है और उठते ही टीम को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है तो वो विन से कहता है कि क्या है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो यहाँ पे विन कहता है या ये काफी अच्छी बात है जब भी खाने की बात आती है तो तुम उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो और फिर यहाँ पे विन जो था वो टीम को ब्रेकफास्ट देता है ब्रेकफास्ट देख के टीम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो ये तो नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट है तो यहाँ पे टीम कहता है कि मेरी आंखों के सामने ही या, ये एक बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ जैसे मैं पसंद करता हूँ जैसे फॉर्म और मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी आपने बिल्कुल वैसा ही बनाया है तो यहाँ पे विन जो था वो टीम को टीस करते बोलता है और दूसरी चीज़ों का क्या तो यहाँ पे टीम कहता है दूसरी चीज़ें क्या तो विन कहता है कि वो दूसरी चीज़ें जो कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो ये सुनकर टीम उस पर गुस्सा करता है और चाक को लेकर मतलब उसे डराने की कोशिश करता है तो विन उससे कहता है तुम शांत हो जाओ मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मैं तो बस सॉसेस और बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर रहा था जो कि मैंने तुम्हारे लिए कुक किया था क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो ये सारी बातें सुनकर टीम उससे कहता है ठीक है अगर ये बात है तो कोई बात नहीं और फिर वो खाना खाने लगता है मतलब ब्रेकफास्ट करने लगता है तो यहाँ पे विनु उससे कहता है कि जब तुम्हारा ये खाना हो जाए तो तुम मेरे साथ चलो मुझे कुछ ग्रोसरीज लेनी है तो यहाँ पे टीम मना करता है और कहता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ तो यहाँ पे विन उसको लालच देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीदूंगा तो यहाँ पे टीम मना करता है तो यहाँ पे विन उसको और ज्यादा लालच देता है और कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें लंच कराऊँ तो तो यहाँ पे टीम थोड़ी देर सोचता है उसके बाद फिर से मना कर देता है तो यहाँ पे विन और ज्यादा लालच देता है और टीम से कहता है कि ठीक है मैं तुमको दस चिप्स खरीद दूंगा दस चिप्स सुन के यहाँ पे टीम थोड़ा सा हैप्पी होता है उसे कहता है कैसा रहेगा अगर हम एक बड़ा पकेट जो है वो पॉपकॉर्न का खरीदें और साथ में बैठकर मूवी देखें तो फिर यहाँ पे विन जो होता है वो टीम की बात से एग्री करता है और यहाँ पे डील कर लेता है और फिर यहाँ पे यह दोनों लोग बाइक से जाने वाले होते हैं तो टीम जो था विन से कहता है क्या तुम श्योर हो कि मैं सेफली इस बाइक से वहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ तूने पहले भी मेरी बाइक की सवारी करी है तो यहाँ पे टीम कहता है कि तब मैं ड्रंक था और इसलिए वो काउंटर नहीं होगा कैसा लगेगा अगर मैं अपने कार लेकर आऊँ तो तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को रोकता है उसे कहता है कि कोई बात नहीं तुम तो मुझ पर विश्वास करो तुम सेफली पहुँच जाओगे और ऐसा बोल के यहाँ पे टीम को हेलमेट पहनाता है और उसको अपनी बाइक पर पीछे बैठाता है और उससे कहता है कि अगर तुमको डर लगे तो तुम मुझको टाइटली हक कर लेना और इससे तुम गिरोगे नहीं और फिर यहाँ पे विन भी जो होता है अपना हेलमेट वगैरह पहनता हो तैयार होता है और जैसे बाइक को स्टार्ट करता है तो यहाँ पे टीम उसको टाइटली हक कर लेता है टीम के होल्ड करते यहाँ पे बिन बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो है जाता है और उसको देख रहा होता है फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज शाम आठ या नौ बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा